गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने मोलारिटी देखा था एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा था। आज हम लोग वही जो आगे की टर्म्स हैं कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करने की वो देखेंगे एंड उसके साथ साथ उसके हम लोग थोड़े एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो फिर सबसे पहले उसके अंदर आता है मास परसेंटेज W/W। ओके, ये भी आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। डेफिनेशन इज वेरी क्लियर। इट इज़ अ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज W/W मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, ये बेसिकली आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो परसेंटेज W/W। सेम वे वॉल्यूम परसेंटेज V/V। इट इज डिफाइन एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सो परसेंटेज V/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इनटू 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, परसेंटेज। बराबर। सो हम लोग क्या ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि परसेंटेज W/W परसेंटेज V/V, तो जो न्यूमरेटर है वो आपका सॉल्यूट है एंड डिनोमिनेटर है वो आपका सॉल्यूशन है। इतना याद रखना, न्यूमरेटर है वो आपका सॉल्यूट है एंड डिनोमिनेटर है वो आपका सॉल्यूशन है। ओके, तो ऊपर W मतलब वो मास, नीचे भी W वो भी मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। V/V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो फिर परसेंटेज W/V, दैट मीन्स ये W डिफाइन करेगा किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, और ये W/V होगा वो सॉल्यूशन के लिए। ओके, तो फिर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो वो फॉर्मूला हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज पार्ट्स पर मिलियन PPM। सो इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1,000,000 × 10^6 1,000,000 पार्ट्स बाय मास। ओके, ये बहुत जरूरी है, बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो सेम वे मास ऑफ बाय मास है, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज में हम लोग क्या करते थे, इनटू 100 करते थे, यहाँ पे क्या है, पार्ट्स पर मिलियन है, मिलियन दैट मीन्स इनटू 10^6 क्या हो जाएगा, इनटू 10^6। चलो नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। सो ये भी आप पढ़ चुके हो, इट इज़ अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। बराबर। सो फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन का सिंबल एक्स होता है, एक्स ए का मोल फ्रैक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। चलो बी का फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, बी का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ओके, और एक चीज़ याद रखनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स यहाँ पे तो सिर्फ दो ही है तो हम दो ही लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा भी है कंपोनेंट तो सभी के मोल फ्रैक्शन का अगर हम लोग सम लेते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। बराबर। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स था ये। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है आपका, बराबर, वो एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड का है। आपको फॉर्मूला सबके आने चाहिए, अगर फॉर्मूला आते हैं तो आप इजीली कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट अब लोग हम लोग एग्जांपल्स देखने वाले हैं। चलो तो फिर हम लोग देखते हैं
कि इंटेक्स के ही क्वेश्चन लेते हैं अभी, अब तक के हमारे जो इंटेक्स के क्वेश्चन हैं टेक्स्ट बुक के ही, उसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं, पहले यहाँ पे हेडिंग मार देते हैं कि ये जो है आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर। और उसके अंदर चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पॉइंट वन, तो वो क्या कहता है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। दैट मीन्स आपको क्या दिया है कि बेंजीन को डिसॉल्व किया है किसके अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, तो डिसॉल्व किया है दैट मीन्स बेंजीन इज अ सॉल्यूट एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ सॉल्वेंट। ओके, तो एक्चुअली सॉल्यूशन क्या होता है, याद करो, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है। ओके, आपको परसेंटेज W by W फाइंड आउट करना है, परसेंटेज W by W किसका फाइंड आउट करना है, तो दोनों का, बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दोनों का फाइंड आउट करना है। ओके, तो दोनों के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो आपको क्या बोला है कि 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन, क्या बोला है, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो फिर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 प्लस 122 इज इक्वल टू 144 ग्राम हो जाएगा, 144 ग्राम। चलो अब फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं उसके अंदर परसेंटेज W by W ऑफ बेंजीन। तो फिर क्या करेंगे, बेंजीन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, 22 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100। चलो तो इसका आंसर क्या आता है, 15.28, इसका आंसर आता है 15.28%, बराबर। तो ये आपका हो गया परसेंटेज W by W ऑफ बेंजीन। चलो सेकंड वन, परसेंटेज W by W ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो सेम होगा, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। चलो तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 122 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 144 इनटू 100। चलो क्या आंसर आता है इसका, 84.72, क्या हो जाएगा, 84.72%। ओके, बहुत ही सिंपल एग्जांपल था ये, आपको सिर्फ फॉर्मूला था और फॉर्मूला के अंदर आपको वैल्यू इनपुट करनी थी, बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.2,
उसके अंदर क्या बोला है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड. अगेन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास कार्बन टेट्रा क्लोराइड. इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे परसेंटेज W बाय W दिया है. किसका? बेंजीन का. आपको बेंजीन का परसेंटेज W बाय W दिया है. कितना दिया है? 30% बाय मास. ओके, 30% बाय मास. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 30% बाय मास ऑफ बेंजीन और किसके अंदर दिया है, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 मींस अगर हम लोग 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं, मींस इफ वी टेक 100 ग्राम सॉल्यूशन देन उसके अंदर क्या होगा, 30 ग्राम बेंजीन H6C6H6 होगा. ऐसा हम लोग बोल सकते हैं अगर 30% मास है. ओके, तो फॉर्मूला आप देखो, परसेंटेज मास क्या होगा, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100. ओके, तो अगर आपको 30 लाना है यहाँ पे, ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है मास ऑफ कंपोनेंट. अगर हम टोटल अगर हम 100 ले लेते हैं और परसेंटेज दैट मीन्स 100, तो फिर मास कितना हो जाएगा, 30 ग्राम हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 30 ग्राम. तो आपको मास ऑफ बेंजीन मिल गया, टोटल मास 100 है. ये क्या है, ये आपका टोटल मास है, बराबर. और आपको किसके अंदर बोला है, CCl4 के अंदर. इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मास आपने 100 लिया है, उसके अंदर से 30 ग्राम बेंजीन है, तो फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास क्या हो जाएगा, सो मास ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 100 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा, वो 70 ग्राम हो जाएगा. कितना, 70 ग्राम. ओके, तो बेसिकली आपने बेंजीन का मास डिस्कवर कर लिया, उसके बाद ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास फाइंड आउट कर लिया. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइनली मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. दैट मीन्स आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका, मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब बेंजीन के मोल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल. तो आपके पास अब मास है किसका, बेंजीन का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मास है, तो फिर आप मोल्स निकाल सकते हो. आपको क्या करना होगा, पहले मोल्स निकालो C6H6 मतलब बेंजीन के मोल, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स निकालो. मोल्स का फॉर्मूला सिंपल है, मास बाय मॉलिकुलर मास. ओके, और वो मिल जाए, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे इनपुट करके ये आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो 2.2 आपको खुद करना है, बराबर. मैंने ऑलमोस्ट तो कंप्लीट कर दिया है, आपको समझा भी दिया है कैसे करना है. ओके, इसके अलावा होमवर्क में मैं आपको 2.4 रहने दो, आप यही कंप्लीट करो. 2.3, 4, 5, 6 मैं आपको खुद करवाऊंगा यहाँ पे बोर्ड पे, थोड़े से ट्रिकी है. ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, 2.1 एंड 2.2, 2.2 कंप्लीट हो जाना चाहिए. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 2.3 से शुरुआत करेंगे. ओके, थैंक यू.